नेपाल टीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद है वो पूरी दुनिया पूरे विश्व के अंदर है, वो नेपाल टीम के चर्चे हैं वो हो रहे हैं। खास तौर से मैं आपको बताऊं तो दीपेंद्र सिंह अय्यरी, कुशल मल्ला और अविनाश बोहरे की चर्चा है वो पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है। और आपको पहले बता दूं कि मैं एक जो अकाउंट है ट्विटर का, ट्विटर के अंदर एक हैशटैग है वो काफ़ी ज़्यादा रैंक करने लगा था, दीपेंद्र सिंह इन IPL, दीपेंद्र सिंह इन IPL हैशटैग है वो सबसे ज़्यादा रैंक किया था अभी फ़िलहाल ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर कुछ जो भारत के दर्शक हैं जो नेपाल के क्रिकेट देखते हैं, नेपाल क्रिकेट देखते हैं, उन्होंने रीट्वीट करके भी ये बात कही है कि नेपाल के दीपेंद्र सिंह और कुशल मल्ला को है, दीपेंद्र सिंह को महेंद्र सिंह की टीम के अंदर IPL के अंदर आना चाहिए और उन्हें अच्छा प्रदर्शन है वो वहां पर दिखाना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि IPL के आने के बाद है, IPL में खेलने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं उनके एटीट्यूड बदल जाते हैं, उनके खेलने का स्टाइल है वो बदल जाता है, क्योंकि अनुभवी बॉलरों के सामने खेलना ये खुद का अनुभव बनाना के रूप में होता है। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे आज की IPL के अंदर कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, क्या धोनी साहब इनको रिप्रेजेंट है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं CSK की ओर और महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा है, क्या बात चल रही है, क्या फैंस बोल रहे हैं, क्या फैंस की बात है वो महेंद्र सिंह धोनी मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक बार जो पहले की बात बता दूं कि दीपेंद्र सिंह अय्यरी और कुशल मल्ला ने हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं T20 मैचेस के अंदर, जो हाईएस्ट जो फास्टेस्ट 50 है उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है दीपेंद्र सिंह अय्यरी और कुशल मल्ला ने मिलकर। तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो प्रदर्शन है वो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं फैला हुआ है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हैशटैग दीपेंद्र IPL है वो काफ़ी ज़्यादा रैंक कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो इसके बारे में रीट्वीट करके जो फैंस हैं, जो लोग भारत के हैं और नेपाल के जो क्रिकेट मैच देखते हैं, नेपाल के फैंस भी हैं, तो उन्होंने उस ट्विटर पर है वो रीट्वीट करके कहा है कि दीपेंद्र सिंह अय्यरी को है वो महेंद्र सिंह टीम यानी CSK के अंदर आना चाहिए IPL 2024 के अंदर, क्योंकि जो प्लेयर होता है वो IPL के अंदर खेलने के बाद उनका जो फॉर्म है वो बदल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी बॉलरों के सामने खेलने पर उनका एटीट्यूड बदल जाता है, उनका जो खेलने का स्टाइल है वो बदल जाता है। और जो दीपेंद्र सिंह अय्यरी है, कुशल मल्ला है, वो अनुभवी प्लेयर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी हैं, जिनका नाम अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड चल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनुभवी प्लेयर ये बन चुके हैं और आगे भी अगर CSK में खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव उन्हें और भी मिल सकता है इसके अंदर। ये फैंस की बात है जो महेंद्र सिंह मानेंगे या नहीं मानेंगे, CSK के अंदर एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक बात और मैं पहले बता दूं कि जो नेपाल टीम, ऐसा नहीं है कि IPL नहीं खेलती है, जो नेपाल टीम के जो बॉलर हैं संदीप लामिछा ने, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है वो IPL के अंदर दिखाया है। तो अब की बार फैंस की बात माने तो फैंस ये बात कह रहे हैं नेपाल के कि दीपेंद्र सिंह अय्यरी, कुशल मल्ला और जो दूसरे बॉलर हैं उनको भी IPL के अंदर अपनाना चाहिए, उन्हें भी खेलना चाहिए अब की बार, क्योंकि IPL के अंदर खेलने से काफ़ी ज़्यादा अनुभव बढ़ता है। तो आपको क्या मानना है, दीपेंद्र सिंह अय्यरी, कुशल मल्ला को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? जो अविनाश बोहरा हैं उनका भी काफ़ी चर्चा है वो चल रही है, तो आपके क्या राय है, दीपेंद्र सिंह अय्यरी, कुशल मल्ला और अविनाश बोहरा को है वो IPL टीम के अंदर खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, ये अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगली नेपाल की बड़ी अपडेट है वो आपको तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।